ये क्या अंदर है, खोलो पूरा, ड्राई करे, चिपक गए। बुआ के अंदर एक और बुआ एक छोटी बुआ पड़ी हुआ ये क्या किया बुआ बुआ लिख दिया। दिस इज बेटर, मैंने अच्छे से लगा दिया, स्पेस भी काफी अच्छे से यूज हो गई है। मेरा कलेक्शन आ चुकी है फ्रॉम लवली प्रिंट नाइट सूट, शर्ट्स, ब्लेजर्स। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, न्यू मी न्यू रूम एवरीथिंग न्यू। एक नई लाइफ का फेस स्टार्ट हो चुका है। बाय द वे इफ यू डोंट नो आई एम मैरिड। सिंधू थोड़ा सा फेड हो गया बिकॉज एक दो दिन से लगाया नहीं है, दोबारा लगा लूंगी। बट नेवर माइंड, दिस इज माई फर्स्ट एवर ऑफिशियल व्लॉग आफ्टर मैरिज। इनफैक्ट जो मैं फर्स्ट शूट कर रही हूँ आफ्टर मैरिज वो यही है। आज क्या डेट हो गई, आई थिंक आज 15 या 16 है, और 25th फेब को मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अच्छा खासा 15 डेज का ब्रेक लिया है बिकॉज शादी से पहले बहुत ज़्यादा शॉपिंग हुई थी, स्ट्रेस था। आई थिंक सबने, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हुई थी। सो आई टुक अ गुड ब्रेक सो दैट एक अच्छा रिलैक्स हो जाए माइंड, एंड नाउ आई एम बैक। समझ नहीं आ रहा था क्या शूट करूँ, सो सोचा व्लॉगिंग कैमरा उठाते हैं, सीधा व्लॉगिंग करते हैं। आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग दिस रूम। अभी भी बहुत सारा सामान है, हर जगह सामान रखा है, बहुत सारी चीजें सेटअप करनी है बिकॉज ऑब्वियसली न्यू जगह है, न्यू चीजें हैं। और अभी मैंने दो तीन चीजें अमेजोन से ही मंगाई हैं, लेट मी जस्ट शो यू। सो दीज आर थिंग्स जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए। मेरी वैनिटी है बाय द वे, जो मैंने अभी सेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इग्नोर करो मैं इसको बिकॉज सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। ये मैंने जस्ट अभी अमेजोन से ऑर्डर किया है। सो लास्ट वीक मैंने ये वैनिटी सेट कर दी थी, यू कैन सी बेसिक सामान मैंने लगा दिया। मैं अभी अपने घर से इतना सामान लेके नहीं आई हूँ, मैं बहुत बेसिक वाले सामान लेके आई हूँ, तो जितना है मैंने वो सेट कर दिया। ये है पूरा सामान। अब क्या है ना, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी लिपस्टिक्स रखने में बिकॉज इसमें ना वो फिट नहीं आ रही थी। सो मैंने अपने घर के लिए पहले ये लिया था, एक्रेलिक का, बहुत सस्ता आता है अमेजोन पर, आई थिंक 200-250 समथिंग का आता है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। सो आई थॉट सेटअप करते हैं, थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लेते हैं। एंड दिस इज डन, दिस इज बेटर, मैंने अच्छे से लगा दिया, स्पेस भी काफी अच्छे से यूज हो गई है। प्राइमर जैसे सबसे पीछे है बिकॉज जब प्रॉपर मेकअप करती हूँ तभी यूज करती हूँ। अभी सामान इतना भी नहीं है, मैं खाली 10 या 20% सामान लाई हूँ जो मैं एक्टिवली यूज करती हूँ, अभी मैं प्रॉपर सामान नहीं लाई। लेट्स ओपन द रिमेनिंग पैकेजेस। कुछ और पैकेजेस है जो मैंने इस समय मंगाए हैं। फाइनली मैंने अपना एड्रेस अपडेट कर दिया और अब मेरे अमेजोन के पार्सल यहाँ पर आ रहे हैं। हेडबैंड्स ये 4 आए हैं, ओ माय गॉड, ये सेट ऑफ 2 में आ गए। ओहो, ये तो कभी कभी ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 होती है। यस, 350 में ये 4 आ गए। दीज आर बेसिकली हेडबैंड्स होते हैं ना, कभी भी जैसे फेस वॉश करते हैं, काफी बार हेयर वॉश्ड होते हैं, फेस वॉश करो, मेकअप रिमूव करो, मैं ऑयल क्लेंजिंग से मेकअप रिमूव करती हूँ तो ऑयल लगाते हैं तो सारा यहाँ पे चला जाता है, बाल ग्रीसी हो जाते हैं। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा था, मैंने एक यूट्यूब के एड में देखा था जिसमें वो ऐसे हेडबैंड लगाते हैं। सो ये सारा एक्सेस वाटर आगे से एब्जॉर्ब भी कर लेता है और बाल भी ग्रीसी नहीं होते, तो मैंने ये 2 ऑर्डर करे थे। खोलते हैं दूसरा पार्सल, अमेजोन के पता ही नहीं चलते, बाहर कुछ लिखा नहीं होता ना। ये क्या है, ओ दिस इज सूइंग किट, सिलाई की छोटी सी किट है ये जो मुझे चाहिए थी बिकॉज काफी बार चीजें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, मिनी सीजर चाहिए थी। मैं बेसिकली ढूंढ रही थी ये एक टूल होता है जिससे ना आप सिलाई खोल सकते हो, ऐसे कुछ भी सूट आपको टाइट फील हो रहा है कुछ भी है, ये एक टूल आता है, सो आप इससे ना वो खोल सकते हो। सो मुझे सूइंग किट दिख गई, काफी अच्छी डील पे मिल रही थी, सो मैंने मंगा ली और इसमें एक नीडल बाहर आई हुई है। दिस इज सो रिस्की यार। ओके, ये इसके अंदर की है, सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यहाँ पे होता है, इसमें से ये आती है, एक बार जरा लाइट जला दूँ, लाइट जल रही है। सो इसमें आपको नीडल्स आती हैं, यहाँ पे है एक सीजर, सेफ्टी पिन, ये जैसे स्विंग करते हुए लगाते हैं ना वो है, ये वही कपड़े खोलने का जो होता है। देन इट हैज ऑल द थ्रेड्स एज वेल, लाइक बेसिक कलर के थ्रेड है, और ये आई थिंक इंची टेप है या, और एक कुछ सिल्वर कलर का है जो आई थिंक पकड़ने के लिए होता है सिलाई करते हुए, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन एक बेसिक स्विंग किट है जो होनी चाहिए घर में बिकॉज कुछ भी अगर टूट जाए तो लगाने के लिए होना चाहिए। अनदर थिंग दैट आई जस्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन, ये कल परसों ही डिलीवर हुई है, ये है ईयरली प्लानर, लेकिन इस बार मैंने लिया है अनडेटेड प्लानर बिकॉज लास्ट टाइम मैंने डेटेड वाला लिया था एंड लिटरली मैं डे टू डे बेसिस पर कुछ ऐसा प्लान नहीं करती, मुझे खाली बेसिक अपना शेड्यूल बनाना होता है, 2-3 चीज़ें और लिखनी होती हैं। सो ये किसी ब्रांड का मुझे मिला, आई थिंक दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांड, क्रिएटिव क्रेजी, मैं इसका लिंक भी नीचे दे दूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। काफ़ी अच्छा प्लानर है, लाइक इट हैज़ एवरी थिंग, मैंने अपने गोल्स एंड ऑल भी लिख रखे हैं, शायद आपने फटाफट देख लिए होंगे, दीज आर गोल प्लानिंग। देन सबसे अच्छी बात जो इस प्लानर की है ना, इसमें ये वाला एक पेज आता है, सो दिस इज बेसिकली अनडेटेड, तो आप कोई भी मंथ लिखो, यहाँ पे अपना शेड्यूल बना सकते हो। इसके बॉक्सेस मुझे थोड़े छोटे लगे, आई विश ये बॉक्सेस थोड़े बड़े होते, बट नेवर माइंड। और जो भी डिटेल्स हैं आप हैबिट ट्रैकर वगैरह बना सकते हो, एंड ये एक सोशल मीडिया बेस्ड प्लानर है, सो अगर आप भी क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आपको सोशल मीडिया के हिसाब से कॉन्टेंट प्लान करना है, सो दिस इज नाइस बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लाइक वी गेट प्लेटफॉर्म, कितने फॉलोअर्स हैं, लाइक व्यूज, तो मैं ऐसा लिखने नहीं वाली बट मैं ऐसे लिखा करूँगी प्लेटफॉर्म फॉलोअर्स, सो दैट एवरी मंथ की मैं ग्रोथ अप देख पाऊँ। देन वी हैव
इम्पॉर्टेंट पोस्ट फॉर द मंथ एंड ब्रेन स्टॉर्म कॉन्टेंट आइडियाज काफ़ी अच्छे हैं और ये पूरा ऐसे अनडेटेड है। माई लंच सेटअप मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ इसलिए मैं आज अकेले खा रही हूँ, सबने खा लिया है, मुझे भूख नहीं थी तो मैं लेट खा रही हूँ। वी हैव रायता, खीरा, सांबर चावल एंड माई फेवरेट शो, फेवरेट तो नहीं कह सकती, सीजन 3 ऑफ दिस इज फोमो शॉर्ट्स, थोड़ा सा बोरिंग है बट ठीक है, टाइम पास के लिए अच्छा। So it's the night time, I was doing a quick skincare routine, so I thought आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सो क्या हुआ ना, शादी के जस्ट बाद बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेकआउट्स हो गए बिकॉज ऑब्वियसली बैक टू बैक फंक्शन हुए, मेकअप करवाया, अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया और इतना हैवी जब मेकअप होता है हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। मैं भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई शादी के टाइम पे स्किन केयर रूटीन पे, मीठा बहुत ज़्यादा खाया बिकॉज ऑब्वियसली शादी में खाना ही पड़ता है, सब बर्फियाँ भर भर के खिलाते हैं। प्लस क्या होता है शादी के बाद ऑब्वियसली घर चेंज होता है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मुझे तो वैसे भी हार्मोनल एक्ने है, सो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे जस्ट आफ्टर माई मैरिज। सो फॉर दैट आई फॉलो वन पर्टिकुलर इंग्रीडियंट जो सबसे बेस्ट वर्क करता है इस सिचुएशन में, चाहे आपको एक्ने हो, हार्मोनल ब्रेकआउट्स हो, कॉमेडॉन्स, छोटे छोटे काफी बार बम्स और दाने हो जाते हैं ना जब आप हैवी मेकअप करते हो, उसको भी जो ट्रीट करता है वो एक इंग्रीडियंट होता है सैल्सिलिक एसिड। यू गाइस नो आई लव सैल्सिलिक एसिड एंड जो एक पर्टिकुलर रेंज है जो मेरी फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ सैल्सिलिक एसिड बेस्ड फॉर्मुलेशन वो है डर्माकोकी सैल्सिलिक एसिड रेंज। सो फर्स्ट आई एम गोना यूज अ फेस वॉश, ये है डर्माकोका 1% सैल्सिलिक एसिड जेल डेली फेस वॉश फॉर एक्टिव एक्ने। इसमें आपको मिलता है सैल्सिलिक एसिड, विच हेजल, विलो बार्क, इसको आप डे और नाइट दोनों टाइम पे यूज कर सकते हो। सो इसमें जो 1% सैल्सिलिक एसिड है ना, जो एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो एक्सफोलिएट करता है जेंटली आपकी स्किन को, ये जो भी डेड स्किन होती है उसको हटाने में हेल्प करता है, डीपली आपकी स्किन को क्लेंस करता है, जो भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उसको किल करता है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो काफी अच्छा, इसका जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, अच्छे से फोम भी बनता है। आई रियली लव फेस वॉशेज इनका फोम बनता है, मुझे फेस वॉशेज नहीं अच्छे लगते जिनमें झाग नहीं बनता है, इसमें बहुत अच्छा एक फोम बनता है, सो स्किन बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाती है। सो इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन दिस फेस वॉश इज समथिंग यू हैव टू ट्राई, आपको बहुत ब्यूटीफुली सूट करने वाला है, मेरा ये गारंटी है। ऑल्सो दिस सल्फेट पैराबिन डाई एंड मिनरल ऑयल फ्री। आफ्टर दैट आई मूव ऑन टू अ सीरम और ये एक्चुअल में एक ट्रीटमेंट बेस्ड सीरम जिसको मैं बोल सकती हूँ, इसकी तो मैंने मल्टीपल बॉटल्स फिनिश करी, आई थिंक मैं 1, 2, 3 पता नहीं कितने साल से यूज कर रही हूँ, मंथली फेवरेट से मैंने काफी बार फीचर किया है। ये है डर्माकोका 2% सैल्सिलिक एसिड फेस सीरम, ये भी स्पेसिफिकली बना है एक्टिव एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इसमें भी आपको मिलता है 2% सैल्सिलिक एसिड विच हेजल विलो बार्क, इट्स अ मल्टीटास्किंग सीरम जो ट्रीट करता है एक्ने को, अनक्लॉक करता है पोर्स को, स्किन डैमेज को भी बेसिकली प्रिवेंट करता है। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2% सैल्सिलिक एसिड एंड विच हेजल जो एक्सफोलिएट करता है आपके पोर्स बेसिकली टू प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, अगर आपकी नोज पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स भी है ना तभी भी ये बहुत हेल्प करेगा, आप इसको नोज पर भी अच्छे से लगा सकते हो। एंड नो मोर सीबम इन द पोर्स, इट इवेंचुअली स्टॉप्स द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्ने बिकॉज विच हेजल का भी काम होता है ऑयल को कंट्रोल करना। सो यू कैन सी कितनी जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया, बिल्कुल भी हैवी थिक चिपचिपा वाला सीरम नहीं है, काफी रनिंग सीरम है, जल्दी स्किन में चला जाता है। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सल्फेट पैराबिन डाई एंड मिनरल ऑयल फ्री एंड बाय द वे डर्माकोके सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं, सो अगर आपको फ्रेग्रेंस से भी एलर्जी है, फिर प्रॉब्लम है, तभी भी आप ये यूज कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग दिस रूटीन ड्यूरिंग द डे टाइम मेक श्योर यू आर यूजिंग एसपीएफ, इसके बाद प्लीज एसपीएफ लगाना बिकॉज जो आप ऐसे केमिकल एक्सफोलिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हो आपको एसपीएफ लगानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो ओवरऑल दिस रेंज इज परफेक्ट फॉर अ क्लियर स्किन, अगर आपको एक्ने फ्री स्किन चाहिए तो ये रेंज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो कैन बाय इट फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन यूज माय कोड कशिका 2023 फॉर एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा, बट अदरवाइज यू कैन बाय इट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स एज वेल। पर अगर आप डर्माकोस से लोगे दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। ऑल्सो डर्माको के अब सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं, सो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है, एलर्जी है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप तभी भी यूज कर सकते हो बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स में अब आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है। सो इन केस यू वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज चेक कर लेना। Moments later. Hi guys, it's Sunday today. I think बीच के दो दिन मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज काम कर रही थी, चीज़ें लगा रही थी, याद नहीं रहा। यू गाइज नो आई सकैट व्लॉगिंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग। सो आज है संडे, आज है मेरा फर्स्ट डिनर। सो अगर आपको नहीं पता शादी के बाद ना ऐसे खाना होता है, सबके घर जाते हैं, डिनर्स होते हैं, खाना होता है, सो आज मेरा फर्स्ट डिनर है। सो आई एम गेटिंग रेडी, मेरी साइड का डिनर है, सो सूट वूट निकाल लिया, अब फटाफट से रेडी होते हैं। मुझे लगा जब रेडी हो रही हूँ तो एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर ही लेती हूँ, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, शादी के टाइम इतना मेकअप किया ना कि अब बिल्कुल मन नहीं है। सो लेट्स गेट क्विकली रेडी।
लगानी है, मतलब अभी लिप लाइन लगाया है, एज अ लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं लगाई, वो जब मैं कपड़े पहनती हूँ ना तब लगाती हूँ। क्विकली आई एम सेटिंग माई फेस, दिस इज द मेकअप सेटिंग स्प्रे। पता नहीं मेरे व्लॉगिंग कैमरा के फोकस को क्या हुआ है, बट दिस इज द स्प्रे डूई सेटिंग वाला जो मैंने अपनी ब्राइडल किट में भी रखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हो, आई मेड अ होल वीडियो ऑन व्हाट इज इन माई ब्राइडल किट, तो मैंने उसमें ये दिखाया था। सो क्विकली गोना स्प्रे दिस बिकॉज सब कुछ ना अच्छे से लॉक हो जाता है, अदरवाइज क्रैक क्रैक सा फील होता है। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं एंड आई डोंट नो यहाँ पे कमरे की लाइटिंग थोड़ी सी, अभी मुझे सीखना है कहाँ लाइट कैसे आती है, कहाँ परफेक्ट शॉट्स आने वाले हैं। इधर थोड़ी वाइट लग रही है, इधर वार्म लग रही है, आई डोंट नो, बट दिस आवर मेकअप लुक्स लाइक। मैं आईज को थोड़ा सटल करने वाली हूँ, आई डोंट नो, मुझे डार्क लग रहा है, बट या लेट मी क्विकली चेंज टू माई आउटफिट। क्विकली अप्लाई लिपस्टिक, आई थिंक आई एम गोना अप्लाई दिस मैक की क्रेविंग। आजकल मुझे ये मेहर से बेटर लग रही है, आई डोंट नो, मेहर बड़ी सटल लगती थी, अब शादी करने के बाद इससे हल्के से ब्राइटर शेड अच्छे लगते हैं। ये भी मेहर जैसा ही शेड है लेकिन ये थोड़ा सा और ब्राइटर में है। अगेन कैमरा इज नॉट फोकसिंग, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट चलो ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली अप्लाई इट एंड आई एम रेडी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, फटाफट से दिखा देती हूँ, सॉरी फॉर द मेस, तैयार होते हैं तो ऐसा मेस हो जाता है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ग्रीन कलर का है पूरा, लॉन्ग है और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, मैंने जल्दी जल्दी में कटवाया ही नहीं टेलर से, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बट नेवर माइंड, चलता है। One hour later. बुआ 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 सही उपयोग किया है, मुझे भी तूने सही उपयोग किया है, तूने भरा क्या है, छुट्टी होगा, थैंक यू। जल्दी बंद करने की छुपाने की होती है ना, क्लियर है बुआ, पेंट किया ना वो गीला होता है, एफर्ट्स एफर्ट्स, इधर तो दिखा दे क्या है, बुआ के अंदर बुआ लिखा है, क्रिएटिविटी, वाह बढ़िया, सो क्रिएटिव, बुआ के अंदर बुआ लिखा है। अभी बहुत सारे बॉक्स है, तो ये चॉकलेट माइंड हो गया है, जब कुछ समझ में नहीं आता, ये ड्राई नहीं है ना, अबे ड्राई करे, अब चिपक गए बुआ के अंदर, एक और बुआ एक छोटी बुआरी पड़ी है, ये क्या किया बुआ, बुआ लिख दिया, नहीं 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 बाओ बुआ, बुआ इतना ज्यादा हो गया था, इसने बाओ लिख दिया, बाओ दिशा, बाओ ही लिखा, बाओ ही मतलब ये बोल लिया था, अभी और भी है, तू पढ़ के बोलेगी ना, बाओ यहां पे बुआ लिखा है गाइस, मैं भूल नहीं सकती कभी, मेरी याददाश्त कभी नहीं जाएगी, अबे उल्टा है ऐसे बोलेगा, You, I, अच्छा, I love you, I miss you, बुआ। देखिए इतना प्यार, PR बॉक्स जो उपयोग कर रहे हैं ना मेरे, अंदर से ढूंढ ढूंढ के लाई सारे खजाना, ये अच्छा गिफ्ट है, ऊपर जूसी, ओह माय गॉड, बुआ 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 बुआ, इतनी सारी बुआ बुआ बुआ, अरे खोलो इनको पैकेट से, खोलो इनको एक एक करके, अरे इसमें भी है कुछ नहीं, ये पढ़ लिया था, ये तो पढ़ लिया, बुआ बुआ ये भी बुआ, ये बुआ रहने आई है, आप नीचे सोऊंगा मैं आपके साथ। The next morning, दरवाजे दाएं तरफ खुलेंगे, कृपया सो सिंस आई वेंट टू होम एंड आई वॉज फ्री फॉर अ डे, सो मेरा प्लान बना सरोजनी जाने का विद माई बेस्ट फ्रेंड, काफ़ी टाइम से गई नहीं थी बिकॉज लास्ट 4-5 मंथ्स से तो मैं वेडिंग शॉपिंग में बिजी थी, बस ऐसी मन था देख के आने का समर कलेक्शन, रश काफ़ी था, वीकडे जाओ वीकेंड जाओ हमेशा रश होता है, और समर कलेक्शन आ चुकी है फ्रॉम लवली प्रिंट नाइट सूट, शर्ट्स, ब्लेजर्स, समर्स वाले ट्राउजर, पैंट्स, काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई है सरोजनी में, बट इतना कोई वाव भी नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगा सब कुछ देखा हुआ है, इतना कुछ फ्रेश नहीं लगा था, बट अगेन अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सकते हो बिकॉज सरोजनी से बेटर डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब तो खैर केसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं दिल्ली में, मैं मार्च में गई थी, सो अभी अगर जाओगे तो प्लीज़ ध्यान से जाना, मास्क वास्क लगा के अच्छे से जाना, मैंने भी पहले मास्क लगाया हुआ था अच्छे से, सो यू कैन सी कलेक्शन वॉज ओके, जैसे 180 रुपीज़ वाले मिलते हैं, देन वी हैव ट्राउजर पैंट्स एज वेल, अगर आप ऑफिस गोइंग हो ना तो प्लीज़ जाना बिकॉज ब्लेजर्स पैंट्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, एंड है इज़ अ क्विक मार्केट टूर, और मैंने
Hi guys, I'm back to my ससुराल. Let me just quickly share what I got from सरोजनी. Although मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल के साथ गई थी, मुझे नहीं लेना था, मेरी फ्रेंड को लेना था. सो आई जस्ट वेंट अलॉन्ग कि चलो मैं भी देख के आती हूँ सरोजनी में क्या क्या कलेक्शन चल रही है. इट वॉज एवरेज, इतना कुछ नया तो था नहीं, वहाँ पे रश बहुत ज्यादा था. सो सबसे पहले मैंने पिकअप करी थी ये टी, मुझे रात के लिए चाहिए थी, जो बेसिकली अच्छी ब्रीजी कॉटन वाली होती है. लेकिन मुझे क्वर्की से प्रिंट्स भी चाहिए थे, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है क्वर्की प्रिंट वाली टीज घर पे पहनना. सबसे पहले मैंने ये लिया, ये कुछ फ्रेंड्स कलेक्शन की है. एक ये शॉप थी, जब मेट्रो से एंटर करते हो ना, एंटर करती है सेकंड या थर्ड शॉप थी, जहाँ पे पूरा नाइट वेयर कलेक्शन था. बाहर बैग्स मिलते हैं और अंदर नाइट वेयर मिलता है, तो मैंने ये वाली टी शर्ट पिकअप करी थी. इट सेज यू आर माई लॉबस्टर, जो फ्रेंड्स का डायलॉग है, और ये फ्रेंड्स कलेक्शन की ही टी शर्ट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है. और ये मैंने मीडियम साइज लिया, वैसे मुझे स्मॉल आता है, लेकिन मैं जब घर के लिए लेती हूँ हमेशा ढीली ढीली लेती हूँ मीडियम वाली. लेकिन मैंने टॉप लिया है ये वाला, जो मुझे बहुत प्रिटी लगा है, मुझे दूर से देखते ही बड़ा सुंदर लगा, सो मैंने पिकअप कर लिया था. सो इट लुक्स लाइक दिस. इसकी काफी अच्छी ऐसी पफी पफी वाली स्लीव्स है, यहाँ से टाइट है. अभी मैं कुछ ट्राई नहीं कर रही, बिकॉज ऑब्वियसली वॉश नहीं किया, जब वॉश होगा तभी ट्राई करूंगी. मैं ये वाले कपड़े बिना वॉश किए नहीं पहनती, बैक एक्ने का रिस्क रहता है, सो आई डोंट ट्राई दीज. और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ये बटन आई थिंक खुलते नहीं है, या दीज आर जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पज. थर्ड मैंने पिकअप करा है ये वाला टॉप, सेम स्टॉल से मैंने ये दो टॉप पिक किए थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये वाला भी पिकअप कर लिया. ये दोनों मुझे 250 के पड़े हैं बाय द वे, एंड दिस वन कॉस्टेड मी आई थिंक फॉर 200. या ये वाली टीज 200 की मिलती है फ्लैट, वहाँ पर कोई भी आप डिजाइन लो. सो ये वाला है 250 का, इट्स लाइक अ बलून, मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब कुछ वियर्ड सा ही टॉप है. जब मैं पहनूंगी ना तब आपको शायद समझ आएगा. ये इसकी नेकलाइन है प्लेन सी, और ऐसी इसकी स्लीव जा रही है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इलास्टिक है इसको टाइट करने के लिए, सो दैट आपके हैंड जहाँ से लॉक रहे. एंड दिस आउट लुक्स लाइक नाइस प्लेन कलर. इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, डार्क भी था, लाइट भी था. मैंने लाइट वाला कलर लिया सो दैट मैं इसको किसी डार्क कलर की कोई भी पैंट से पेयर अप कर पाऊँ, फिर डेनिम्स के साथ. दिस इज अ रैंडम होम डेकोर आइटम जो मैंने ले लिया. एक लेडी थी, वो ये सेल कर रही थी, आई थिंक उन्होंने 250 समथिंग बोला था, बट देन आई वाज लाइक नहीं ठीक रेट बताओ, सो खुद ही 100 पर आ गई थोड़ी देर बाद. सो मैंने ये पिकअप किया. अब मैं इसमें नीचे बॉल्स डाल दूंगी सो दैट ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए. एंड लुक नाइस, मतलब 99 rupees के हिसाब से नॉट बैड, बिकॉज वास के साथ मिल रहा है और ये रियल बैम्बू प्लांट है बाय द वे. एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग. आई थिंक मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, 3, 4, 5 पता नहीं कितने दिन हो गए. मैं कभी भी एक दिन का व्लॉग नहीं करती, मैं मल्टीपल डेज के ऐसे व्लॉग बनाती हूँ. सो आई होप आपको पसंद आया होगा. दिस इज लाइक माई फर्स्ट एवर ऑफिशियल व्लॉग आफ्टर मैरिज. धीरे धीरे अभी इस ट्रैक पर आना शुरू करूंगी. आई नो बहुत सारी वीडियोज पेंडिंग है, मेरे मंथली फेवरेट्स पेंडिंग है, बहुत कुछ पेंडिंग है. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर हो पाऊँ यूट्यूब पे, एंड देन किक स्टार्ट विद माई रिव्यू वीडियोज, बिकॉज आई नो मेरी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो मेरे रिव्यू वीडियोज का वेट कर रही है. सो वो भी डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी. बट टिल देन बाय बाय, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड डू वॉच माई अदर वीडियोज इन केस आपको देखने में मजा आया हो. मेरी पुरानी वीडियोज भी जाकर देखना. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल. एंड बाय द वे, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोज है प्रीवियस वाली जो आपने मिस आउट कर दी होंगी. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पर मैं अपने सारे फंक्शन के टीजर्स डाल रही हूँ, सो दैट आप भी मेरे फंक्शन का कहीं ना कहीं ग्लिम्स देख पाओ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू सी माई वेडिंग इवेंट्स एज वेल. सो या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट. बट या दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.